one ingredient. Two dishes. एक फिरंगी. एक तड़का. You decide which you like better. Obviously, वो मेरी ज़्यादा पसंद आएगी. Yeah, right. Girls like. Love you mean. Love desserts. Oh. So girls like compliments. Girls love desserts. Very good. चलो अभी. Well. Okay. So lesson is कि मीठा बनाना बहुत जरूरी है. You have already added a stipulation कि तुम में से और मेरे में से को एक ही जीत सकता है आज. Exactly. तो तुम क्या बना रहे हो? भाई नारियल की डिश है. तो I'm going to make a very easy देसी coconut pudding. Oh, cute. I'm going to make a very easy non-desi coconut panna cotta. All the best to me. Yes, let's go. You know, for the first time, I really hope you win, Saraj. What a lie. तो सबसे पहले मैं जेलेटिन को मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने इसको सीधा क्रीम में डाला तो लम्स हो सकते हैं. So, मैं करने वाला हूँ, मैं ले रहा हूँ 200 ml ऑफ कोकोनट मिल्क जिसमें मैं डालने वाला हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इन दोनों चीजों को हम विस्क कर लेंगे. ये है ब्लैक गोल्ड वनीला बीन. इसको हम काटेंगे आधे में और इसके अंदर जो है वो बहुत ही प्रेशियस मटेरियल है. वो है वनीला के सीड्स. तो इस मिक्सचर में अब मैं डालूंगा चीनी और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट चिरौंजी. और इसका क्या अच्छा स्वाद आता है. चलिए चिरौंजी मुझे जितवाएगा. शुरू करते हैं पैना कोटा. इसमें डालेंगे क्रीम और नारियल का दूध. What's happening, Chinu? Nothing much, यार. What are you up to? मैं क्यों बताऊं? तुम्हारा तो अब तक मिक्सिंग बोल में ही चल रहा है. अरे जी बस मिक्सिंग बोल के कमाल है इस डिश का. और इसमें डालेंगे ये ब्यूटीफुल वनीला सीड्स. और किसी भी मीठे को अच्छा बनाने के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी चीनी. तुमने मेरी गैस ऑन करी थी? नहीं. मैं क्यों तुम्हारी गैस ऑन करूं? That will be helping you by the way. I'm not interested in you. और मैंने कुछ सुना कि तुम्हारा भी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट है. या मेरा भी है जो मैं अब इसके अंदर डालने वाली हूं. ओह वनीला बीन. नॉट अ सीक्रेट एनीमोर. ओह चिरौंजी. और वनीला बीन्स अभी डाल रहे अखे बीन्स लेकिन उनको निकालेंगे बाद में. तो ये देखिए यू कैन ऑलरेडी सी द स्पेक्स ऑफ वनीला बीन्स इनसाइड. इतना सुंदर दिख रहा है. और अब उसमें डालेंगे ये हमारा मेल्टेड जेलेटिन. तो वेल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको धीमी आंच पे पका रहा हूँ ताकि कॉर्नफ्लावर जो है उसके लम्स ना बने. और एक्चुअली मेरा और भी ईजी है क्योंकि इसको अभी विस्क करना पड़ेगा जब तक वो गाढ़ा हो जाए. लेकिन मैंने इसमें जेलेटिन ऐड किया है सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर टू दिस. ये तो हो गया है, रेडी है सेट होने के लिए. Well, कुछ भी कर ले, नमक तो मैंने ही डाला है. So this is done. अब हमें इसको मोल्ड में खाली करना है. वही तुमने क्या पुराने तरीके के शॉर्ट ग्लासेस में प्लेस कर दिए. मैं देखो अपना दिल निकाल के मैंने बाहर रखा है. Well, it's about time, क्योंकि अगर मैं मेरा दिल वो लड़कियों को देती तो it would be a bit awkward. Well, the point is, मेरी डिश सुंदर लगने वाली है. You know, I'm happy for you, Saranj, क्योंकि तुम काफी अनलकी हो लव में. चलो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ. How sweet. Or you know what they say, beauty lies in the eye of the beholder. Beholder. Okay then.
मेरी डिजर्ट जो है वो तो सेट हो जाएगी बस एक घंटे में। मेरी भी एक घंटे में, देखते हैं गेस्ट भी आ जाएंगे और डिजर्ट भी तैयार हो जाएगी। रील सी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा हाँ, डिजर्ट के बारे में तो भूल गई। अच्छा चीज, forget about your dessert। अच्छा तुम्हारे डिजर्ट में थोड़ा धनिया भी डाला? नहीं। ओह परफेक्ट, देखा दोनों के डिजर्ट सेट हुए। या दैट्स ट्रू। डन जी डन। आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत सस्पेंस है, काफी सारा प्रेशर भी है, पार्टी भी हो रही है, लड़कियां भी आ रही है और जजमेंट डे भी है। आई थिंक वी शुड डिसाइड। नाइस प्रेजेंटेशन। वेल यू गॉट ग्रेट कलर्स। वाह, वनीला बीन की खुशबू यहाँ तक आ रही है, अभी खाया भी नहीं है। आज तुम्हें किसी क्यूट लड़की का इंट्रोडक्शन नहीं मिलने वाला। अपनी फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराना है तो कुछ भी। सो सरंज, तुमने काफी सारी चीजें सीखी आज। टेल मी, गर्ल्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्स, गर्ल्स लव डिजर्ट्स। वेरी गुड। ऐसे टिप्स के लिए और बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपीज व्हिच हैव अ तिरंगी तड़का ट्विस्ट, कम बैक हियर नेक्स्ट वीक। और एक टिप बताओ, गर्ल्स लाइक गाइस हु कुक। Thank you. This is done. Let's put it to the board.